कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को ना एक बहुत खास बात बताने वाली हूँ, क्योंकि ना आप लोगों के घरों में भी बच्चे होंगे और जब कोई ईद आती है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, सबकी ईदें आती हैं, मुस्लिम की, हिंदू की, क्रिश्चियन की, सबकी ईदें आती हैं और बच्चों को मिलती है ईदी। तो बच्चे वो उस ईदी से ना अपने वालदैन को बहुत परेशान करते हैं और कभी कहते हैं कि हमने अपनी ईदी को ये करना है, वो करना है। तो जब ना इनके पास ईदी आए ना, तो आप इनकी ईदी ना फौरन खर्च करवा दिया करें। जैसे इन मेरे बच्चों को ना अपनी ईदी से कुछ लेना देना नहीं है कि कोई चीज़ अपने लिए लेके रख ले, इनको खाने का बहुत शौक है। तो आज मेरे बच्चे ना अपनी ईदी से ना पार्टी कर रहे हैं, तो आज आप लोगों को दिखाएंगे इन्होंने अपनी ईदी से क्या क्या मंगवाया और किस तरह ये पार्टी कर रहे हैं अपनी ईदी से। थोड़ी देर में अभी हमने खालिद को भेजा हुआ है, तो इन लोगों ने कुछ सामान मंगवाया है, तो खालिद आता है तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो मिले अब्दियल से। हाय व्यूअर्स, तो व्यूअर्स, मीरब अपने स्कूल की तैयारी कर रही है, शूज वगैरह पॉलिश कर रही है, सुबह पेपर भी है इनका, स्कूल भी जाना है इन्होंने, और हम लोगों ने मंगवाया है आज बाहर से बच्चों की ईदी से खाना। तो वो आप लोगों को दिखाएंगे क्या मंगवाया है। तो आप लोग तब तक कर दें वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल को कर दें सब्सक्राइब जिसने अब तक नहीं किया हुआ, और हमें कमेंट्स में बताना कि ये आइडिया सही है या नहीं सही है, आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। तो ये भी बताना कि आपके बच्चे भी क्या ऐसे ही परेशान करते हैं, उनके पास जब पैसे हो जाते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। व्यूअर्स, जब इनके पास ना क्रिसमस की ईदी थी ना, तो तब इन लोगों ने ना उससे अपनी कुछ स्कूल की चीजें ले ली थी, तो कुछ जिसके पास जो चीज नहीं थी उसने वो चीज ले ली थी। अब इनके पास हर चीज है, और स्कूल का भी अभी पेपर फाइनल के हो रहे हैं, तो स्कूल दोबारा अगस्त में लगेंगे, तो इसलिए कह रहे हैं कि हम खाने पीने में उड़ाएंगे पैसे, आज पार्टी करेंगे। तो इसलिए आज हो रही है पार्टी, तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे क्या आया खाने में। के हमने बाहर से मंगवाए हैं, तो बच्चों को खाने थे पूरी पराठे, तो मैंने बोला कि आप लोग बाहर से नहीं मंगवाओ, जैसे टिक्के आएंगे तो हम घर पे बना लेंगे गरम गरम। तो हम अब बनाने लगे हैं पूरी पराठे। टिश्यू लेके आओ। एक पराठा विवश हमारा बन गया, ये देखें। टेबल पे मीरब ने सारा खाना लगा दिया है, और ये मैं पूरियां भी बना के ले आई हूँ। तो ये सब खाना लग चुका है, तो और किसी को भी हमारे साथ खाना खाना है, बच्चों की पार्टी में शामिल होना है, तो आ जाए। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। बहुत मजा आएगा, ये चिप्स भी और बर्गर भी। हम लोग अपना अपना खाना खा रहे हैं। मैं बर्गर खा रही हूँ, भैया टिक्के खा रहा है, और अब्दुल बर्गर खा रहे हैं। हाय व्यूअर्स, पूरी पराठे, इनकी तो बात ही अलग है, ये खा ले तो मजा ही आ जाता है। टिक्के और पराठों की क्या ही बात है। और भी बस इसी के साथ वीडियो का आज एंड करते हैं, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय 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 व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।